शशिकला ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। एक समय ऐसा आया जब सड़क पर पागलाएं की तरह घूमने लगी। 70 के दशक की हिट एक्ट्रेस शशिकला आज 87 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने करीब 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फिलहाल वो लंबे समय से बॉलीवुड से दूर हैं। शशि का पूरा नाम शशिकला जावलकर है। शशि एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, वहीं पर्सनल लाइफ में भी उन्हें दुख मिले। शशिकला के पिता का सोलापुर में एक कपड़ों के बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास 6 बिल्डिंग थी। शशिकला ने DNA को दिए इंटरव्यू में बताया था, मेरे पिता पूरी कमाई अपने छोटे भाई को भेज देते थे। वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था। हम 6 भाई बहन थे। पिता ने अपने परिवार से ज्यादा भाई की जरूरतें पूरी की। एक समय ऐसा आया जब उनके छोटे भाई यानी मेरे चाचा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन तब वो हमारे परिवार को भूल गए। मेरे पिता दिवालिया हो गए। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे। करीब 8 दिन तक हम लोगों को खाना नहीं मिला। हम लोग इंतजार करते थे कि कोई हमें अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट कर ले। इसके बाद मेरे पिता से बहुत से लोगों ने कहा कि शशिकला देखने में सुंदर है और अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है, उसे फिल्मों में काम मिल जाएगा। तब मेरे पिता परिवार के साथ मुंबई आ गए। मैं 11 साल की थी। मैंने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाकर काम ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई। नूरजहां को मैं अच्छी लगी और उन्होंने अपने पति से कहकर मुझे फिल्म में काम दिलवा दिया। इसके बाद मेरे पिता से बहुत से लोगों ने कहा कि शशिकला देखने में सुंदर है और अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है, उसे फिल्मों में काम मिल जाएगा। तब मेरे पिता परिवार के साथ मुंबई आ गए। मैं 11 साल की थी। मैंने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाकर काम ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई। नूरजहां को मैं अच्छी लगी और उन्होंने अपने पति से कहकर मुझे फिल्म में काम दिलवा दिया। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन शशिकला ने घर परिवार और बेटियों को छोड़ दिया और एक शख्स के साथ विदेश चली गई। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस बात के बारे में शशिकला ने एक इंटरव्यू में कहा था, जिस शख्स के साथ मैं विदेश गई उसने मुझे मेंटली और फिजिकली खूब टॉर्चर किया। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर इंडिया लौटी।